अब हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसका असर आपकी दिवाली पर पड़ेगा। यह फैसला देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी इस बार आप दिवाली पर निश्चिंत होकर पटाखे जला सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए कुछ शर्तें भी लगा दी हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नीचे एक छोटा सा स्टार लगाकर लिख दिया है, शर्तें लागू। इसलिए आप दिवाली के इस टाइम टेबल को आज अच्छी तरह से समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दिवाली या गुरु पर्व जैसे त्योहारों पर सिर्फ रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत होगी, यानी आप सिर्फ 2 घंटे तक रात में पटाखे जला सकते हैं। क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात को 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी, यानी इन दो अवसरों पर आप सिर्फ 35 मिनट तक ही पटाखे जला सकते हैं। कोर्ट ने जमीनी स्तर पर अपने आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित इलाके के SHO या थानाध्यक्ष को सौंपी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सिर्फ कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे बनाने और बेचने की अनुमति दी जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। ग्रीन पटाखों का मतलब है वो पटाखे जो कम आवाज करते हैं और कम प्रदूषण फैलाते हों। इसके अलावा किसी भी दूसरी तरह के पटाखे बनाना या बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पटाखे की लड़ियों को बनाने, बेचने और उन्हें इस्तेमाल करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब आप पटाखे की लड़ी बनाकर उन्हें नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। पटाखों को सिर्फ लाइसेंस धारक कारोबारी ही बेच पाएंगे और ये कारोबारी भी उन्हीं पटाखों को बेच पाएंगे जिन्हें बेचने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी है। अब आप पटाखों को ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में साफ लिखा है कि अगर पटाखों का निर्माण पहले से हो चुका है और वो इन शर्तों को पूरा नहीं करते तो भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऐसे पटाखों को दिल्ली और NCR में बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिल्ली के आसपास का इलाका प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए दिल्ली और NCR की सरकारों से ये कहा गया है कि जहां तक संभव हो सामूहिक रूप से आतिशबाजी करने पर जोर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पटाखे जलाने की समय सीमा तो तय कर दी गई है, नियम कानून भी बन गए हैं, लेकिन लोगों के मन में अब ये सवाल है कि समय सीमा का पालन कैसे होगा। हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाके के थानाध्यक्ष को फैसला लागू करवाने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस घर घर जाकर ये पूछेगी कि आपने पटाखे जलाए कि नहीं, और अगर कोई 10 बजे के बाद या 8 बजे से पहले पटाखे जलाएगा तो फिर क्या होगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने अब तक दिवाली ऐसे ही मनाई है, धूमधाम से पटाखे फोड़कर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के इस तरीके पर 2 घंटे का टाइमर फिट कर दिया, साथ में कई शर्तें और हैं। फायर क्रैकर यानी पटाखों पे बैन लगाया है, 24 घंटे में से 22 घंटे बैन रहेगा। पटाखे सिर्फ 8 बजे शाम से 10 बजे रात तक 2 घंटे के लिए चलाए जा सकते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ 2 घंटे वाली ही नहीं है, बल्कि समस्या ग्रीन पटाखों की भी है। ग्रीन पटाखे या इको फ्रेंडली पटाखे, यानी वो पटाखे जो कम प्रदूषण फैलाते हैं। क्योंकि इनके अलावा कोई दूसरी तरह के पटाखे ना तो बेचे जा सकते हैं और ना ही जलाए जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर दुकानदारों को ऐसे पटाखों के बारे में पता ही नहीं है। नहीं, अभी मौजूद नहीं है, अभी मौजूद नहीं है। क्या होते हैं वैसे ये पटाखे सर? अब तो जब आएंगे तभी पता लगेगा। नहीं नहीं, वो अभी नहीं आए, वो अभी आएंगे अभी वो। हाँ, जो अगले प्रोडक्शन आएगी वही आएगी। अब तो वो किस तरह के पटाखे होते हैं सर? नए केमिकल के साथ आएंगे वो। हमने दिल्ली में पटाखों की सबसे मशहूर मार्केट के दुकानदारों से बातचीत की। ये वो दुकानदार हैं जो साल भर पटाखे बेचते हैं। इनके पास पटाखे बेचने का परमानेंट लाइसेंस है, लेकिन इन्हें भी ग्रीन पटाखों के बारे में नहीं पता। ऑर्डर आया है, वो इम्प्लीमेंट में आएगा। अब उन्होंने जो बोला है वो चीज़ बनी बनाई तैयार तो होती नहीं सर।
अब वो बनेगी तब वो हमारे पास आएगी, अभी तो हम पुराना स्टॉक बेच रहे हैं। लोगों का भी यही हाल है, उन्हें भी ग्रीन पटाखों के बारे में जानकारी नहीं है। डिब्बे पे उसका होना चाहिए ना हॉलमार्क के, ये ग्रीन कुछ उसके एक नोटिस देना चाहिए कि हाँ भी ये इस तरह के पटाखे हैं, इसको छुड़ाने से प्रदूषण नहीं होगा। या यहाँ पर तो कहीं पर देखने को नहीं मिल रहे, इको फ्रेंडली तो कोई है नहीं, सारा चाइनीज और जो इंडियन एक्सपोर्ट होता है वही है सर। हालांकि दो घंटे की इस छूट से भी आम लोग बहुत खुश हैं। खुश हैं इस बात पे क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है और दिवाली की सबसे बड़ी बात है कि पटाखे जलाते हैं। पिछली बार जिस तरह बैन लगाया थोड़ा सा मायूसी आई थी कि हम खरीद भी नहीं पाए, इतने जला नहीं पाए। खुश तो होंगे क्योंकि बिना पटाखों के तो दिवाली अच्छी लगती ही नहीं है, तो पटाखे होना तो जरूरी है। साल में एक त्यौहार तो होता ही है दिवाली पर, जिसमें हम ये पटाखे वगैरह चलाते हैं, तो हमें तो खुशी है इस बार ये मनाने के लिए दिया। हमें सबसे ज़्यादा खुशी है इस बार कि पटाखे सब बजा भी सकेंगे। नॉर्मल पटाखे हैं जो बच्चे छोड़ सकते हैं, उनमें कोई बैन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी भी बहुत प्रदूषण है, उस पर भी तो ध्यान दे सरकार। खाली बम पटाखे बंद करने से तो प्रदूषण खत्म होगा नहीं। इतनी गाड़ियां घूमती, दिन भर इतना कुछ होता है, तो पोल्यूशन नहीं दिखता क्या सरकार को? बच्चों को थोड़े बहुत जो है त्यौहार के तौर पर लेके देंगे, ज्यादा नहीं कि प्रदूषण ना फैले। और बड़े पटाखों पर तो हम थोड़ा बच्चों को कंट्रोल रखेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीन पटाखे से भी प्रदूषण होता है, यानी इको फ्रेंडली या ग्रीन पटाखे प्रदूषण का संपूर्ण इलाज नहीं है। सिर्फ रीयूजेबल पेपर यूज करते हैं, रीसाइकल्ड पेपर यूज करते हैं, तो आप समझिए कि सिर्फ हमारे जो पेड़ हैं वो कटने से बच गए, लेकिन जो उनका इफेक्ट है नॉइज पे और पोल्यूशन पे, एयर पोल्यूशन पे, वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, वो भी बहुत ज़रूरी है, अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करते हैं थोड़ा बहुत भी, तो वो इको फ्रेंडली पेपर से ही बनाया जाए, रीयूजेबल पेपर से बनाया जाए। कोई भी चीज़ इको फ्रेंडली नहीं है, सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ साथ पटाखे बनाते कौन हैं, अगर आप देखेंगे फैक्ट्रीज में जाकर तो छोटे छोटे बच्चे, चाइल्ड लेबर वहाँ पर काम कर रही है, वो लोग पटाखे बनाते हैं। तो मतलब इनिशियल स्टेज से ही पटाखों में, और जब तक वो जल नहीं जाते तब तक के जो भी ड्यूरेशन है उसमें वो पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें जनमानस को ये जागरूकता देनी बहुत जरूरी है कि पटाखे जो हैं उनसे हम किनारा करें। समस्या इस बात की भी है कि लोग ग्रीन पटाखों को पहचानेंगे कैसे? अगर किसी दुकानदार ने सामान्य पटाखे ग्रीन बोलकर बेच दिए तो क्या होगा? आज से दो हफ्ते के बाद दीपावली है, ऐसे में जिन दुकानदारों ने पहले से ही सामान्य पटाखों का स्टॉक खरीद कर रख लिया है वो क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या सिर्फ दो हफ्ते के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में ग्रीन पटाखों का निर्माण संभव है? अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। पटाखों पर रिसर्च करते हुए हमारे मन में ये सवाल आया कि दिवाली पर पटाखे जलाने का चलन हमारे देश में शुरू कब हुआ? भारत में मूल रूप से दिवाली पर दिए जलाए जाते थे, पटाखे नहीं। तो फिर ये बम जैसे धमाके करने वाले पटाखे दिवाली के पर्व में कैसे शामिल हो गए? अपने रिसर्च में हमें कई दुर्लभ जानकारियां मिली जो आज आपको बताना चाहते हैं। भारत में 18वीं शताब्दी तक दिवाली के मौके पर आतिशबाजी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये एक बहुत महंगा आयोजन होता था, इसलिए उस दौर में सिर्फ राजा महाराजा ही दिवाली पर आतिशबाजी किया करते थे और करवाया करते थे। मराठा इतिहास की किताब पेशवा यांची बाखर में ये जिक्र मिलता है कि कोटा शहर में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी हुई थी। आज कोटा राजस्थान का एक जिला है, लेकिन उस वक्त कोटा पर मराठाओं का शासन था। इस किताब में ये लिखा है कि महादजी सिंधिया ने पेशवा माधवराव को ये बताया था कि कोटा में 4 दिनों तक दिवाली मनाई गई और इस दौरान लाखों दिए जलाए गए और कोटा के राजा ने इन 4 दिनों तक अपने महल के बाहर आतिशबाजी का आयोजन किया था। आपको बता दें कि पेशवा माधवराव अप्रैल 1774 में पैदा हुए थे और अक्टूबर 1795 में उनकी मौत हो गई थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान राजा दिवाली के मौके पर आतिशबाजी करवाते थे। भारत की पहली पटाखा फैक्ट्री कोलकाता में 19वीं शताब्दी में ही स्थापित हुई थी। इस फैक्ट्री को स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम था दास गुप्ता। इस फैक्ट्री में पहले माचिस बनती थी और फिर तमिलनाडु के सिवकासी में सूखे की वजह से दो भाई इस फैक्ट्री में काम करने कलकत्ता आ गए।
इन दोनों भाइयों का नाम था शनमोगा नादर और पी अय्या नादर। इन दोनों भाइयों ने कोलकाता की इस फैक्ट्री से पटाखे बनाने का काम सीखा और फिर वो अपने घर यानी तमिलनाडु के सिवकासी वापस चले गए और वहां पटाखे बनाने का उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। विडंबना ये रही कि जिस सूखे की वजह से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा, उसी सूखे की वजह से उनका काम सिवकासी में चल पड़ा, क्योंकि पटाखों के निर्माण के लिए सूखे मौसम की जरूरत होती है। और अब स्थिति है कि पूरे भारत के 80-90% पटाखे सिवकासी में ही बनते हैं। समझने वाली बात यह भी है कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन अयोध्या में भगवान राम की वापसी हुई थी। उस दिन दिए जलाए गए थे, ढोल नगाड़े बजाए गए थे, लेकिन आतिशबाजी का जिक्र कहीं नहीं मिलता। मूल रूप से दिवाली दियों का और रोशनी का त्यौहार है। इसमें पहले पटाखे शामिल नहीं थे, ये पटाखे बाद में इस पर्व का हिस्सा बन गए। और आज के ज़माने में अगर आप लोगों से पूछें तो उन्हें शायद ऐसा लगेगा कि पटाखे शायद शुरुआत से ही दिवाली का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज की दिवाली हमारे पुराने संस्कारों की दिवाली से बिल्कुल बदल चुकी है, बिल्कुल भिन्न है। आज पटाखों के संपूर्ण इतिहास को भी समझना ज़रूरी है। इसके लिए हमने बहुत सारी किताबों का आज अध्ययन किया कि ये पटाखे आखिरकार आए कहाँ से, और इस अध्ययन से जो जानकारियां निकली हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दुनिया के करीब करीब सभी इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि आतिशबाजी या पटाखों की शुरुआत चीन से हुई थी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आतिशबाजी और पटाखे भारत से शुरू नहीं हुए। आतिशबाजी का मतलब होता है आग का खेल। जब पहली बार चीन में आतिशबाजी हुई तो उसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ था। चीन में पहली आतिशबाजी कब हुई, इस पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कामा आइन हॉर्न की किताब द एक्सप्लोसिव स्टोरी ऑफ फायरवर्क्स में लिखा है कि आज से 2217 वर्ष पहले चीन में बांस की मदद से आतिशबाजी हुई थी। तब इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बांस में कई तरह की गांठें होती हैं और जब बांस में आग लगाई जाती है तो वो बहुत तेज आवाज के साथ फटता है। चीन के लोगों ने इस बात को नोट कर लिया और सबसे पहले इसे ही आतिशबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आज हम जिन पटाखों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बारूद होता है। बारूद की खोज के बाद आतिशबाजी में क्रांतिकारी बदलाव आया। माइकल एस रसल की किताब द केमिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स के पेज नंबर 2 पर लिखा है कि 8वीं शताब्दी के आसपास चीन के रसायन वैज्ञानिकों ने बारूद की खोज की। हालांकि कुछ किताबों में यह भी लिखा गया कि सन 1044 में चीन में सल्फर, शोरा, आर्सेनिक, तेल और मोम की मदद से बारूद बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस बारूद की खोज चीन ने की वही बारूद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। चीन के लोग तो बारूद का इस्तेमाल सिर्फ आतिशबाजी के लिए करते थे, लेकिन इसी बारूद का इस्तेमाल मंगोल योद्धाओं ने हथियारों के रूप में करना शुरू कर दिया। इस तरह बारूद युद्ध में इस्तेमाल होने वाला हथियार बन गया। मंगोल योद्धाओं ने चीन पर हमले किए और बारूद का खूब इस्तेमाल किया। इसके बाद बारूद का प्रयोग मध्य एशिया, कोरिया, जापान और पश्चिमी एशिया में भी शुरू हो गया। रिसर्च के दौरान हमने एक और किताब पढ़ी जिसमें आतिशबाजी का जिक्र है। इस किताब का नाम है ऑन द वेपन्स आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल मैक्सिम्स ऑफ द एंशियंट हिंदूज। इस किताब के पेज नंबर 51 पर लिखा है कि वेस्ट एशिया में मंगोल बादशाह हलाकू खान ने वर्ष 1258 में अपने एक दूत को दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के पास भेजा। तब सुल्तान के वजीर ने हलाकू खान के दूत के स्वागत में खूब आतिशबाजी करवाई थी। आतिशबाजी का इस्तेमाल युद्ध में भी किया जाता था और इसी किताब के पेज नंबर 50 पर आतिशबाजी से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। वर्ष 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली के तुगलक वंश के सुल्तान महमूद पर हमला किया। सुल्तान महमूद की सेना में 10,000 घोड़े, 40,000 सैनिक और बहुत सारे हाथी थे। सुल्तान महमूद की योजना थी कि हाथियों को आतिशबाजी की मदद से इस तरह भड़का दिया जाए ताकि वो तैमूर की सेना को रौंदते हुए आगे चले जाएं। और ये योजना बेहद सफल रही और 50 हाथियों ने तैमूर लंग की सेना को खूब नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बाद तैमूर लंग ने एक नई तकनीक आजमाई। तैमूर ने हाथियों से मुकाबला करने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल किया और ऊंटों के ऊपर भारी मात्रा में सूखी घास लदवा दी। जब युद्ध शुरू हुआ तो इस घास में अचानक आग लगा दी गई। ऊंटों पर जलती हुई घास देखकर हाथी भाग खड़े हुए और इस तरह तैमूर लंग ने
आग के खेल की मदद से ये युद्ध जीत लिया। दक्षिण भारत में होने वाली आतिशबाजी पर भी विदेशी विद्वानों ने काफी रिसर्च किया है। जे आर पार्टिंगटन की किताब अ हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फायर एंड गन पाउडर के पेज नंबर 227 पर कुछ दिलचस्प बातें लिखी हैं। इन पर भी गौर कीजिए। सन 1400 के करीब संस्कृत की एक किताब अक्षय भैरव कल्प में बंदूक का जिक्र किया गया है। इस बंदूक को संस्कृत में नलिका कहा गया है। किताब में लिखा है कि तमाम राजा जिन 32 हथियारों की पूजा करते थे उनमें से एक थी नलिका यानी बंदूक। इस पूजा के बाद आतिशबाजी होती थी जिसमें अग्नि बाण छोड़े जाते थे। लेखक ने इस अग्नि बाण की तुलना रॉकेट से की है। महाभारत के संदर्भ में भी आपने ऐसे बहुत सारे अस्त्रों के बारे में सुना होगा। कुल मिलाकर आतिशबाजी और पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी कहानियां चीन से लेकर मंगोलिया और भारत तक फैली हुई है। आधुनिक दौर में दिवाली के त्योहार के साथ पटाखों का गहरा रिश्ता है। हमें उम्मीद है कि पटाखों से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हालांकि विडंबना ये भी है कि दिवाली अब पैसे का खेल बन गया है, भावनाओं का नहीं। हालांकि पटाखों से ज़्यादा ताकत दियों में होती है, रोशनी में होती है, क्योंकि दियों की रोशनी देर तक बनी रहती है और इनसे प्रदूषण भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें एक पेंच भी है। भारत में मुहूर्त के हिसाब से दिवाली की पूजा की जाती है और लक्ष्मी पूजन खत्म होने के बाद ही पटाखे जलाए जाते हैं। ऐसे में 8 बजे से 10 बजे तक का समय हमेशा के लिए तय नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि इस मामले में हिंदू पंचांग के पहलू को भी शामिल किया जाना चाहिए।